कथा का सूत्र पहले हम आपको बता दें। बहुत ध्यान देने योग्य आज का सूत्र है। तन से बैरागी बनो, तन से बैरागी बनो लेकिन मन से राम जी का अनुरागी बन जाओ। तन से बैरागी, मन से राम जी का अनुरागी। कई लोग बैरागी तो होते हैं, अनुरागी नहीं होते। हमें एक बहुत अच्छे कलाकार मिले, बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, तो वो हमको बोले, गुरु जी आप कई बार भजन ना राग में नहीं गाते हो। हमने कहा भाड़ में गया, राग में नहीं गाते तो क्या हुआ, लेकिन राम जी के अनुराग में तो गाते हैं। राग में हो या ना हो, राम जी के अनुराग में होना चाहिए। और जिसका भजन, जिसकी भक्ति, जिसका जीवन राम जी के अनुराग में होता है, उसका राग चाहे सा चाहे जा जाए, चाहे पा चाहे जा जाए, उससे कोई मतलब नहीं, अनुराग में ही काम चल जाता है। बोलो सीताराम। इसलिए आज की कथा का सूत्र क्या है? तन को बनाओ बैरागी, मन को बनाओ राम जी का अनुरागी। और मीरा में ये दोनों लक्षण है। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, ये जोगन सब बैरागी का लक्षण है। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। मीरा मन से वैराग्यवती है, वैराग्यवान है, वैरागी है, तन से बैरागी है, लेकिन मीरा मन से गोविंद की अनुरागी भी तो है। उसे सिवा गोविंद के कुछ भाता भी तो नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती हमारे तो केवल गोविंद है, दूसरा कोई है नहीं। तो यह संपूर्ण 7 दिन की कथा एक विशेष विषय को दृष्टिकोण रख करके कह रहे हैं। कह तो भागवत ही रहे, कल उतनी ज्यादा कथा नहीं हो पाई, तो आज हमारे मन में है कि मीरा चरित्र को थोड़ा स्पर्श करेंगे, बाकी कथा को ज्यादा बोलेंगे, ताकि आज भगवान का अवतार जल्दी हो जाए टाइम पे, नहीं तो 9-10 बज जा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बैठे हैं तुम लोगों को बड़ी दिक्कत है, घर जाके रोटी बना भी पड़ा, हमें तो बनी बनाई मिलती है, भगवान की बड़ी कृपा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आज सब समय पर होना चाहिए, लेकिन जो विषय है उसको थोड़ा स्पर्श कर लिया। अंतर क्या दोनों की चाहे मैं बोलो, अंतर क्या दोनों की चाहे मैं बोलो, एक प्रेम क्या दोनों की चाह में।
दृष्टिकोण रखते हुए हम राधा और मीरा के प्रेम पर चर्चा कर ले, जो गोविंद के प्रति दोनों समर्पित थे। श्री प्रियाजू की तुलना मीरा से करना उचित नहीं है, यहां तक कि ठाकुर जी की तुलना भी श्री प्रियाजू से करना उचित नहीं है, लेकिन भक्तों के अपने अपने भाव होते हैं, उनको समर्पित कर सकते हैं। एक बात बोले, एक बात आप गांठ बांध लो, कारण से आई प्रसन्नता अस्थाई होती है, किसी कारण से आई प्रसन्नता अस्थाई होती है, लेकिन बिना कोई कारण से आई प्रसन्नता हमेशा स्थाई होती है। मीरा का प्रेम भी ऐसा ही, मीरा के प्रेम में कोई कारण नहीं है। देखो क्षमा करना, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, जहां शर्त है वहां प्रेम है ही नहीं। प्रीति की कोई शर्त नहीं, मीरा की कोई गोविंद से शर्त नहीं। मीरा तो कृष्ण से कृष्ण को भी नहीं पाना चाहती, मीरा सिर्फ अपना प्रेम लुटा रही है, डूब रही है मीरा। क्षमा करना, ये बात बोलना चाहिए या नहीं, ये तो नहीं हम कह सकते। आप लोग भी बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत समर्पित लोग हैं, लेकिन कई बार हमें लगने लगता है कि बहुत से लोग हमारी कथा में इसलिए आते हैं कि कोई कारण होता है। कारण सिर्फ इतना होता है कि हम जाएंगे शायद हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, या गुरुजी हमको मिल जाएंगे, या गुरुजी हमको देख लेंगे, या गुरुजी हमसे बात कर लेंगे। तो हम तुमसे प्रार्थना करें, अगर तुम्हारी भक्ति इस कारण से है तो बहुत ही छोटी और निम्न स्तर की आपकी भक्ति, लेकिन आपकी भक्ति अगर केवल भगवान को पाने का कारण है तो यह उच्च कोटि की भक्ति है। और आप हमारे दरबार में सपेक्षा से भी मत जुड़ना कि हम आपको मिलेंगे या हमारी आपसे बात होगी। क्षमा करना, हमारी मानो तो चमत्कार को मान करके आप मत बैठो हमारी कथा में, प्रभु के नमस्कार को मान करके इस कथा में बैठो। चमत्कार से कुछ नहीं होना, हम तुम शर्त लगाना चाहते, आप भगवान से शर्त लगाते, और प्रेम अशर्त होता है।
प्रेम में कोई शर्त नहीं। जहां शर्त है वहां तो प्रेम है ही नहीं, प्रेम अशर्त है। हम लोग भगवान को भी भजते हैं तो शर्त में, हे हनुमान जी हमारी बिटिया की शादी हो जाए 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे ठठरी के वाले। क्या हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं कि जब तुम्हारी बिटिया की वो शादी करवाएंगे तभी तुम लड्डू खवाओगे तब हनुमान जी लड्डू खाएंगे? ये भी कोई बात? कई लोग हमारे पास भी आते, महाराज जी अब तो हम तभी आएंगे जब हमारा पर्चा बन जाएगा न कटा। कई लोग आते, गुरु जी अब तो हम बागेश्वर धाम तभी आएंगे जब हमारा काम सफल हो जाएगा। काम सफल नहीं होगा तो हम क्यों आएंगे ठटरी के बारे? हमने कौन तो इनविटेशन कार्ड दो। माता क्षमा करना, आप अगर बागेश्वर धाम से किसी चमत्कार या किसी शर्त लगा करके जुड़े हो तो आप शायद घाटा खाओगे। यहां जुड़ना तो कोई शर्त में नहीं, प्रेम तो अशर्त में होता है। हमारे बालाजी से या ठाकुर जी से प्रेम बिना शर्त के करना। एक संत कहते थे जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। प्रेम में जो जिसको चाहता है उससे कुछ नहीं चाहता, अगर वो कुछ चाहता है तो वो प्रेम नहीं है।